जहाँ पे गांव से काफी दूर है। हम लोग भी पहुंच गए जहाँ पे शादी वगैरह है ना, ये सारे काम मिलजुल के होते हैं। इसको हम रोटी बनाएंगे इसमें। अभी इस वाली जगह पे जो रात का खाना है वो तैयार किया जा रहा है। को धीरे धीरे सनसेट भी होने लगा है। जो घर के लिए शिवांश अंशिका इनके लिए खाना लेके जाना है। तो अभी करीब दिन के 12 बज चुका है और अब जाके मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो चलिए फिर एक और ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम है सुजान नेगी, स्वागत करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे घर से और मेरे इस गांव से। वैसे अभी मुझे जाना है गाँव में, गाँव में शादी वगैरह है तो वहाँ पर जो खाना बनाना जितना भी जो काम धंधा होता है वो करने के लिए जाना है। अभी पहले खाना खा लेते हैं जल्दी से, फिर जल्दी से निकलते हैं। अब देखो खाने में है हरा साग है, चावल है और जो पहाड़ी संतरे हैं अब धीरे धीरे वो भी पकने लगे हैं। और इधर जो मिर्च वगैरह है और बाकी ये कुछ चीज़ें हैं। अब अपनी तैयारी हो रही है, गांव में एक शादी है वहां पे आज मेहंदी वगैरह है तो वहां पे जा रहा हूं मैं अभी। बिना सभी लोगों को बोला है, परिवार में जितने भी लोग हैं सभी लोगों को इनवाइट किया हुआ है। तो ये रोटी वगैरह भी बनानी है, सारी चीज़ें हैं तो इसलिए थोड़ा जल्दी जा रहे हैं। वो रोटी वगैरह बना लेंगे और जो हम लायक काम होगा उस काम को हम लोग भी कर देंगे। और बाकी इस वाले खेत में लहसुन वगैरह लगा रखी है, सामने वाले खेत में पानी, जो हम कुछ टाइम पहले पानी वगैरह लगाने के लिए गए थे ना भाई और मैं, तो पानी वगैरह खेतों में लगा रखा है क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा पानी आ रहा था तो इसलिए उसको खेतों में लगा दिया। बाकी मैं भी नीचे रोड में पहुंच गया। अब यहां से हम लोगों ने जहां आज मेहंदी में जाना है वो गांव से काफी दूर है। गांव रह गया हमारा इस साइड में और हम लोग रहते इस वाले साइड में। और जो शादी है वो है ऊपर जंगल के एरिया में, तो वहां जाना है। मस्तूरा पे वैसे भाई भी आ गया है, अब देखते हैं या तो मैं बाइक भी ले जा सकता हूँ क्योंकि मुझे अपने टाइम पे आने के लिए हो जाएगा। यहाँ से मैं इस वाली बाइक को ले जाऊंगा, भाई कार में चले गया। और बाकी शाम के टाइम पे अपने टाइम पे आने के लिए हो जाता है, जब मर्जी चाहे तब आ सकता हूँ। बाकी अपनी बाइक को इधर पार्किंग पे लगा दिया है और मैंने रास्ते के ठीक रास्ते के बगल में लगा रखा है ताकि कोई छेड़े ना। कोई भी छेड़ रहा होगा तो फिर यहाँ से दिख जाएगा, और बाइक उस साइड लगाता तो वहाँ पे कोई भी छेड़ देता। बाकी सामने है कुलाई के पेड़ और यह है उस्त वगैरह। अब यहाँ से हमें ऊपर टॉप तक जाना है। और यहाँ पे गांव से काफी दूर है तो यहाँ पे आना जाना कम ही होता है। जब ऐसा कोई भी फंक्शन वगैरह होता है तभी जाके होता है, अदरवाइज बहुत कम होता है इधर आना। और वैसे हम लोग इस वाली जगह से आए, यहाँ पे है हमारी गौशाला और घर इस साइड में है तो यहाँ से यहाँ पहुंच गए। और अब देखो हम लोग भी पहुंच गए जहाँ पे शादी वगैरह है ना वहाँ पे पहुंच गए। अब सुबह के टाइम पे जो ये गेट वगैरह लगना था या चौक में चांदनी वगैरह जो भी लगनी थी सारी लग चुकी है। अब पहाड़ों में जो घर होते हैं वो काफ़ी दूर होते हैं, जैसे इनका घर यहाँ पे ना, मतलब गांव से काफ़ी दूर है। और एक घर है इस वाले टॉप में। और फिर शादी में सबसे बड़ी दिक्कत होती है ब्लॉगिंग वगैरह करने के लिए कुछ होता नहीं है क्योंकि डीजे चलता रहता है और कॉपीराइट क्लेम वगैरह आता रहता है। और अभी इस वाली जगह पे जो रात का खाना है वो तैयार किया जा रहा है, कहीं प्याज वगैरह कटिंग हो रहा है, कहीं टमाटर वगैरह, कहीं गाजर वगैरह, कहीं गोभी वगैरह। तो अभी ढेर सारा काम है। ये यहाँ पे हम रोटी बनाने के लिए बना रहे हैं, इसको हम रोटी बनाएंगे इसमें। इस वाले पे दाल वगैरह रखी हुई है, ये भी जो मीठा जो सूजी वगैरह होती है उन चीज़ों के लिए। और यहाँ पे चाचा जी लगे हैं और यहाँ पे नीतू, सभी लोग लगे हैं ये आटा वगैरह गूंदने पे। और इधर ग्रेवी वगैरह के लिए प्याज वगैरह अभी तैयार किया जाए और इधर सब्जी तैयार हो रही है। बाकी अभी इस वाले साइड पे रोटी वगैरह बनाने की तैयारी चल रही है, आटा वगैरह गूंद दिया है और उस वाले साइड में जो सब्जी वगैरह है, खाना वगैरह है वो तैयार हो रहा है। बाकी गांव में सभी को बोला रहता है रोटी वगैरह बनाने के लिए और इसके बाद भजन कीर्तन वगैरह होता है। और ये सारे काम मिलजुल के होते हैं, सभी लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं और तभी जाके ये सारे काम निपट जाते हैं। यहाँ पे लेडीज वगैरह है और इस वाले साइड पे जेंट्स है जो सब्जी वगैरह चीज़ें कटिंग कर रहे हैं। Thank you.
बाकी इस वाले घर पे है शादी, और यहाँ से फिर ये वाले टॉप में भी ना पुराने ही से घर हैं, और सामने है चोपता वैली तुंगनाथ का, ये सामने। देखो धीरे धीरे सनसेट भी होने लगा है, और जो सूरज की जो किरणें हैं वो एकदम लाल होती जा रही हैं धीरे धीरे। अब अंधेरा भी होने लगता है। अब गांव के एरिया से पहाड़ों के लिए धूप निकलने स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे जो मिक्स वेज है वो तैयार हो गई है, और इस वाले साइड जो पकोड़े हैं, और सामने पे हैं जो पापड़ वगैरह। अब देखो यहाँ पे खाना वगैरह तैयार हो गया है, और जो लोग यहाँ नहीं आ पाते हैं ना, जैसे जो छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए घर खाना लेके जाते हैं, और इसको हम अपनी गढ़वाली भाषा में ना परोसू बोलते हैं, और बाकी जो आए रहते हैं तो वो यहीं खा लेते हैं, बाकी जो नहीं आ पाते उनके लिए घर के लिए यहीं से लेके जाते हैं। मैं भी खाना वगैरह खा लेता हूँ, और जो घर के लिए शिवांश अंशिका इनके लिए खाना लेके जाना है, और फिर मैं भी खाना लेके ना घर निकल जाता हूँ। बाकी अब हम लोग भी घर के लिए निकलने की तैयारी कर रहे हैं, और ये लोग अभी खाना खा रहे हैं, और खाना खाते हैं फिर हम लोग भी निकलते हैं घर के लिए। तो फिलहाल अभी 8 बज चुका है, और हम लोगों ने भी खाना वगैरह खा दिया है, और घर के लिए जो परोसू वगैरह है वो भी रख दिया है, क्योंकि घर पे शिवांश अंशिका भाभी लोग सभी हैं, तो उनके लिए भी खाना रख दिया है। अब घर पे चलते हैं। बाकी यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले भजन कीर्तन वगैरह चल रहा था, और मेहंदी पता नहीं कब लगेगी, तो हम लोग भी चलते हैं, क्योंकि घर पे वो यहाँ से जब खाना जाएगा तभी जाके वो खाना खाएंगे। बाकी अभी हम लोगों को सामने इस वाली जगह पे जाना है, यहाँ पे हमारा घर है। तो भाई फाइनली हम लोग भी पहुंच चुके हैं घर पे, और खाना वगैरह लेके आ चुके हैं, और ये लोग भी खाने का इंतजार कर रहे थे कि कब खाना आएगा। बाकी अब ये लोग भी खाना खा लेते हैं। अभी तक पढ़ाई कर रहे थे ना, पढ़ाई कर रहे थे हाँ, जब फोन पे अभी हम लोग भी घर पे पहुंच गए हैं। अभी रात के लगभग 8 बज चुका है, और अब जाके घर पे पहुंच रहे हैं। बाकी वैसे मैंने आना तो थोड़ी देर में था, पर घर पे खाना लेके भी आना था, तो इस वजह से टाइम पे आना भी जरूरी था, क्योंकि शिवान सांसी का सभी लोग खाने का वेट कर रहे थे कि अभी वहाँ पे मेहंदी वगैरह का प्रोसेस होगा, और डांस वगैरह जो भी होगा वो चीज़ें होंगी, वो चीज़ें मिस कर दी मैंने भी। बाकी अब मैं भी आप लोगों से विदा लेता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको एक नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ। फिलहाल के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, बाय बाय।